विस्तार से आज की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। ग्रामीणों ने किया जमकर विरोध। जी हां, उत्तर प्रदेश के बिजनौर थाना क्षेत्र मंडावली मौजमपुर रोड निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध। लोक निर्माण विभाग ने सड़क में लगाई घटिया सामग्री, जिसको लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए तथा ठेकेदार और जेई को भगा दिया। सड़क निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों को भी वहां से भगा दिया गया, कार्य बंद कर दिया गया। बिजनौर से हमारे संवाददाता कुलदीप त्यागी की रिपोर्ट। मैं कुलदीप त्यागी, फास्ट न्यूज इंडिया चैनल से। सड़क निर्माण में विरोध, ग्रामीणों ने किया विरोध। हाँ, आप कौन है? नेमी शरण त्यागी। कहाँ के रहने वाले हैं? रामनगर। अच्छा, तो किस बात में विरोध है आपका? ये सड़क बन रही है मंडावली से मौजमपुर मार्ग। अच्छा, इस पर सड़क तो बिल्कुल गलत काम हो रहा है। वैसी बिजली फैला रहे हैं, ना कोलताल लगा रहे हैं, ना कुछ लगा रहे हैं, ना नीचे पत्थर लगा रहे हैं, ना गड्ढे भरे जा रहे सही तरीके से। बिल्कुल इस ठेकेदार से बात की तो ठेकेदार कह रहे हैं पन्नालाल जही मना कर रहा है करने के लिए। अरे एक्शन से भी बोला हमने, एक्शन भी मना कर रहे हैं भाई, उनसे बात करो, सड़क ऐसी बनेगी। किसी से बात और किसी से उच्च अधिकारी से? आप पन्नालाल से बात हुई। पन्नालाल यो कह दिए मैंने ठीक करके बनाने के लिए बोल रखी है कि इसको बिल्कुल गलत काम हो रहा है। जो आदमी मतलब नंगे पैर भी चल रहे हैं तो बजरी फड़फड़ कर वैसे आ रही है। मतलब कई बार आपने कह चुके हैं, बहुत बार कह चुका है, कोई ध्यान नहीं दिया। एक्शन साहब ने अपना मोबाइल बंद कर रखा है। एक्शन साहब ने अपना मोबाइल। आपका नाम क्या है? विपिन कुमार त्यागी। कहाँ के रहने वाले? रामनगर। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं सड़क सही पड़नी चाहिए। पिछले साल बनाई थी इसी ठेकेदार ने, वो जई ना, पन्नालाल जई ना पिछले साल कह दिया था जाड़े हाँ गर्मियों सही बढ़ेगी, पिछले साल वाली सारी उखड़ गई। अच्छा, आपका गर्मी में सही बढ़ेगी, गर्मी में भी हाथों हाथ उखड़ रही है, कोई काम सही नहीं हो रहा। ठीक है, और किसी से बात हुई आपकी? ठेकेदार तो हुई, ठेकेदार कह रहा है हम तो अधिकारियों ने इससे ज्यादा काम नहीं हो सकता, इतना ही काम होगा। ठेकेदार कौन है? गौरव राजपूत। अब क्या चाहते हैं आप? जो काम सही होना चाहिए, जो काम सही होना चाहिए। सड़क सही बन रही है? ये तो आए दिन इस पर दुर्घटना होने की खतरा है, बल्ली हाथों हाथ उखड़ रही है। आप कहाँ रहते हैं? राजपुर नवादा। नाम क्या है आपका? साबिर। साबिर, तो आपके उसमें क्या है? ये सड़क सही नहीं बन रही है, गड्ढे पड्ढे भी झटके लग रहे हैं, दो पहियों वाली साइकिल में झटके लग रहे हैं। बताओ क्या सड़क बना रहे हैं ये लोग? माल सही नहीं लगा रहे, माल सही नहीं लगा रहे, गोल तार भी सही नहीं है, बजरी हाथों हाथ सड़क से नीचे उतर रही है। आ जाओ इधर, आ जाओ आप। हाँ जी, मैं रिक्शा चला रहा हूँ रोड पर। अच्छा, बिल्कुल भी जो रोड सही नहीं बन रही, और जो बत्ती ले रही बहुत बेहिसाब। रिक्शा फोटो लो, सवारी टूटने का खतरा है। तो आपको कितना टाइम लग जाता है वहाँ से मंडावली से आने में? आता है रोड भी कम से कम एक डेढ़ घंटा लग जाए, डेढ़ घंटा पूरा। 40 मिनट। आपका नाम क्या है साहब? भैजू। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये आप क्या ला रहे हैं वहाँ से? भट्टे से ला रहे हैं। तो आपको कुछ महसूस हुआ ठीक है या गलत है? या गलत है? अच्छा, सही नहीं बन रही, मानक के हिसाब से माल नहीं लगा रहे ठेकेदार लोग। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया न्यूज चैनल में। आपका नाम क्या है साहब? बुद्धू हसन। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कैसे सवारी से आए हैं या पैदल आ रहे हैं रोड से? रिक्शा से आ रहे हैं। क्या कुछ महसूस हुआ आपको? रोड सही है? पेट का पानी हिल गया सर। जी, पेट का पानी सारा हिल गया। अच्छा, मतलब माल सही नहीं लग रहा है? पूर्ति कर रहा है। वेतन ना मिलने से शिक्षक है परेशान। जी हाँ,
यहां गदरपुर में उपखंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जाकर उत्तराखंड राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ ने एक ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग यह थी कि ट्रेजरी व एसएसए कार्यरत सभी शिक्षकों का वेतन समय सेवा सुचारू रूप से दिया जाए और यदि समाधान समय से नहीं किया गया तो ब्लॉक कार्यकारिणी धरने पर बैठने को तैयार है। जब मीडिया की वार्ता उप शिक्षा अधिकारी रवि मेहता से हुई तो उन्होंने बताया डाटा सेंटर की तरफ से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जो कार्यालय के वेतन को देखते हैं उनको ट्रेजरी भेजा गया, बहुत ही जल्द अप्रैल माह का वेतन निकाल दिया जाएगा। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता शाहनूर अली से बात करते उप शिक्षा अधिकारी रवि मेहता, कुंदन लाल कौशिक और विनोद सिंह पवार। बेसिकली हमारे वहाँ पे टीचर्स यहाँ पर जो आए थे उनका अप्रैल का माह का वेतन अभी हालत नहीं हुआ है। कुछ डाटा सेंटर स्तर से ही कुछ टेक्निकल दिक्कतें होने की वजह से अप्रैल माह का वेतन अभी आहरित नहीं हो पाया और हमने अपने कार्यालय के जो हमारे वेतन को देख रहे हैं उनको ट्रेजरी भी भेजा हुआ है और इसका समाधान जल्दी कर लिया जाएगा। उम्मीद है आज शाम तक हम लोग वेतन जो डाटा सेंटर से बात भी है वो शाम तक वेतन आहरित अप्रैल माह का हम लोग करवा पाएंगे। बेसिकली ये वेतन वाला इशू सभी जगह पर आ रहा है। रीज़न ये रहा कि इस बार जो नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है IFMS तो उसमें कुछ तकनीकी खामियां होने की वजह से वेतन आहरित होने में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जो डाटा सेंटर की टीमें वो थ्रू आउट लगी हुई है, हम लोग ट्रेजरी और मोट कोषागार से भी संपर्क में हैं और जो भी कोई इश्यूज आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और सिर्फ तकनीकी खामियों की वजह से दिक्कतें आ रही हैं और जल्दी ही आने वाले समय में शायद ये तकनीकी खामियां सभी दूर हो जाएंगी ऐसा आशान्वित उन लोगों द्वारा हमको किया भी गया। हाँ जी, कुछ एरिया कुछ टीचर्स के एरियर इशूज़ भी हैं तो उसके लिए भी बजट की अनुपलब्धता होने की वजह से एरिया का भुगतान नहीं हो सकता है और हमारे द्वारा बजट की मांग भी की गई है। जैसे ही बजट आ जाएगा तो एरिया वाले इश्यूज़ हमारे टीचर्स के सॉल्व कर दिए जाएंगे। बेसिकली ट्रांसफर सेशन के तहत इस बार 30 मई तक आवेदन मांगे जा रहे हैं टीचर से और उसमें विभिन्न कैटेगरीज अनिवार्य और अनुरोध के आधार पर जो ट्रांसफर्स होने हैं और 30 तारीख तक आवेदन आने के पश्चात वो कार्रवाई जिला स्तर पर संपन्न की जाएगी। हमारी मांग मुख्य थी कि अप्रैल माह का वेतन अभी तक नहीं मिला है और मई का वेतन समय से आए, परंतु सॉफ्टवेयर की कमी दर्शाते हुए अभी उस पर संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। दूसरी मांग थी चयन वेतनवान के आवेदन जो है कार्यालय में पहुंच चुके हैं परंतु उस पर जो है जून में चयन वेतनवान की फाइल कंप्लीट हो जानी चाहिए। तीसरी मांग थी वर्ष 2014 में वेतन वृद्धि का एरियर जो जिले ब्लॉक ने जिले को परीक्षा कर रखी है परंतु जिले से अभी तक उस परीक्षा का आंसर नहीं आया, उसके संबंध में बात। देखिए महोदय, हम जो है कई बार हमारे जो ब्लॉक का जो संघ है, संघ की जो टीम है, वो कई बार हमारे उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहले भी कई बार उनको अवगत करा चुकी है कि जो वेतन की जो समस्या पिछले दिसंबर में से प्रारंभ हुई थी, उसके बाद वो एक आध महीने अटक के फिर फरवरी में आई, फरवरी से फिर ये लगातार 3-4 महीने से हम देख रहे हैं कि हर बार जो है हमें जो है 3-3 महीने रोक के वेतन दिया जा रहा है यहाँ पे। और जो है कई अध्यापकों का बैंक का लोन चल रहा है, उनको बॉम्बे से कॉल आ रही है और उनके ऊपर पेनल्टी बढ़ती जा रही है, तो कितना मानसिक दबाव बना हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो उत्तराखंड में जो गदरपुर ब्लॉक है ये माननीय श्री शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे जी का एक VIP ब्लॉक है, लेकिन आप इस ब्लॉक के नीचे देखेंगे तो उनकी नाक के नीचे जो कार्यालय में जो कर्मचारी हैं या जो भी व्यक्ति हैं इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति, वो बिल्कुल अपने कार्य के प्रति शिथिलता रख रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये शिथिलता कब तक रहेगी? अभी हम उप शिक्षा अधिकारी महोदय से मिले थे तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि चलो मैं देखता हूँ, ये मई की आज आप देखिए 29 तारीख चल रही है, कल 30 तारीख हो जाएगी, और अभी भी उन्होंने आश्वासन दिया कि चलो कल अभी देखता हूँ, मैं अप्रैल का वेतन आपकी निकालने की कोशिश करता हूँ। आप बताइए मई खत्म होने वाला है, जब मई खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर लास्ट में जून की लास्ट 30 तारीख को कहेंगे कि अब मैं ये देखता हूँ कि अब मई का निकालूं, तो ये प्रोसेस होगा कब कंप्लीट? यदि आपकी कोई सॉफ्टवेयर में कमी है तो कोई इसमें एक्सपर्ट बताइए। हमारे वहाँ पे ब्लॉक में मुश्किल से 400 कर्मचारी बेसिक में है, इंटर कॉलेज की सही सैलरी निकल रही है, बेसिक के कर्मचारियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इससे ज़्यादा BG डिपार्टमेंट तो पुलिस डिपार्टमेंट होता है, पुलिस डिपार्टमेंट में लगातार सही सैलरी निकल रही है, उनके तो लगातार कर्मचारी ट्रांसफर और होता रहता है, कोई कर्मचारी आ रहा है जिले में, कोई बाहर जा रहा है, उनके हर कर्मचारी की सैलरी निकल रही है। हमारे वहाँ जाए तो कहते हैं कि ये कर्मचारी जो है रिटायर हो रहे हैं, क्या रिटायर कर्मचारी क्या गदरपुर ब्लॉक में हो रहे हैं, जसपुर में नहीं हो रहे, बाजपुर में नहीं हो रहे क्या कर्मचारी रिटायर? ये खाली नए नए बहाने, मीठे मीठे बहाने हमें सौंपे दिए जाते हैं, इनको कोई भय नहीं रह गया शिक्षा मंत्री जी का कि इस तरह शिक्षा मंत्री का VIP ब्लॉक और उसमें सारे कार्य पीछे हो रहे हैं। मैं बिल्कुल इस बाइट के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो है गदरपुर ब्लॉक की स्थिति को सही करवाएं। आपका ये जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ सरकार की जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने पूरा बजट भेज रखा है, बजट में कोई कमी नहीं है, ट्रेनिंग का पैसा भी समय से आ जाता है, लेकिन क्या है वो चेक दबाया रहता है। अब ये बताइए हर कार्य के लिए कोई शिक्षक वहाँ पे कार्यालय में थोड़ी उपस्थित होगा,
हमारे जो संघ के पदाधिकारी बेचारे जाते हैं समय से, उनको जो है समझा समझू के भेज दिया जाता। मैं हूँ संस्कृति, मैं हूँ आस्था, मुझ में है रिश्तों का एहसास, क्योंकि हर पल होता है कुछ खास। रखता हूँ आपकी पसंद वो जेब का पूरा ध्यान, क्योंकि देव तुल्य है हमारा मेहमान। काशी की परंपरा का नया नाम रिदम रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट व्यंजन मतलब रिदम रेस्टोरेंट। शादी विवाह, बर्थडे व किसी भी तरह की पार्टी फुल्ली एयर कंडीशन लार्ज हॉल में कीजिए, मात्र 350 रुपए प्रति प्लेट की दर से। रिदम रेस्टोरेंट, केएलजी स्मृति भवन, दाऊजी उपवन, रथ यात्रा, वाराणसी। जरूर पधारें। स्थानीय पुलिस मात्र कार्यवाही की बात करके मामले की करती है अनदेखी। जी हां, पश्चिम बंगाल के जमुड़िया थाना अंतर्गत केंदा फाड़ी का है, जहां तपसी प्राथमिक विद्यालय में चोरों ने बीती रात घटना को अंजाम दिया। घटना रात की है, जहां अगली सुबह स्कूल खोलने के क्रम में मालूम चला कि चोरों ने शिक्षा के मंदिर को भी नहीं बख्शा। स्कूल का ताला तोड़कर रसोई घर के बर्तन तथा स्कूल ऑफिस के कई सारे सामान को वे ले उड़े। स्कूल को खोलने पहुंचे शिक्षकों ने जब इस घटना को देखा तो उन्होंने तुरंत ही केंद्रा पुलिस तथा स्थानीय पंचायत प्रधान को इसकी सूचना दी। पुलिस का आश्वासन है कि जल्द ही चोर उनकी गिरफ्त में होंगे। वहीं पंचायत प्रधान सुशांत गोप ने घटना की घोर निंदा की एवं छात्रों को असुविधा न हो इसके लिए चोरी हुई सामग्रियों की भरपाई करवाने की भी बात कही। चोरों की घटना के बाद फास्ट न्यूज इंडिया को जानकारी देते अभिजीत गोराय, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय तपसी। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता राम सूरत राजभर की रिपोर्ट। क्या हुआ यहाँ पे? हम जब आए हैं तब देखा है जे ऑफिस का ताला तोड़ा है, हम किचन का भी ताला तोड़ा है और कुछ सामान मिड डे मील का कुछ सामान चुरी। क्या क्या सामान चुरी हुआ? दो ठो बड़ा कड़ाई है, दो ठो बाकेट है, एक ठो प्रेशर कुकर है। एक तो अभी पता नहीं चल रहा है क्या क्या गया है। क्या लगता है कितने रुपये का चोरी हुआ? 5000। आपका परिचय? मैं स्कूल का हेड टीचर है, तो सिर्फ स्कूल का अभय चंद्र गौड़ाई। धन्यवाद। खबरों का क्रम लगातार फास्ट न्यूज इंडिया पर जारी रहेगा, लेकिन आप जरूर बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।